अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। मेहरौनी ब्लॉक का गांव पड़मा, वहां पर 6 माह से रसोइयों को मानदेय नहीं दिया गया है। रसोइयां काफी परेशान हैं, विधवाएं हैं। उनका कहना है कि जब कोई त्योहार आता है तो हमारे बच्चे रोते हैं किसी की चीज देखकर, कोई और हम लोग किसी से कर्ज पर पैसा लेते हैं। रसोइयां की तो कोई सुनाई नहीं है कि रसोइयां क्या है और क्या चीज है। रसोइयां को तो वारे समझे इतने बच्चन की हमारे माने अपनी को कर रहे हैं, तो सरकार हम उनकी तो सुनवे थोड़ी हो। समय से ना पैसे मिलते हैं और 1,000 में क्या, कम से कम 3,000 रुपया तो होना चाहिए सर। और क्या है कि हम लोग ना टाइम से पैसा मिले और ना खर्चा पानी काय में बच्चन को करें। तो आपको अभी कब से नहीं पैसा मिला है? 3 महीना से हमको तो कोई जानकारी पैसा को आई नहीं। सभी जानते हैं महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है इस समय कि 1,000 रुपए तो हमारे हिसाब से थोड़ा कम है। बाकी गवर्नमेंट की पॉलिसी है किस तरह से वो उनका वो करना चाहती हैं, और बीच बीच में सुनने में भी आता है, लेकिन कोई विशेष रूप से कोई आदेश नहीं आया अभी तक। मुख्य मुद्दा ये है कि हम लोग के चाहने से भी कुछ होने वाला नहीं है, है ना। गवर्नमेंट को इस हिसाब से अपना डिसीजन लेना चाहिए, एक हर व्यक्ति की जरूरतों को समझना चाहिए। 4-5 बच्चा है हमारे, जो मोड़ी है 3 मोड़ा है, उनको पूरा खर्चा पानी यही से चल रहा सब। और हमारे ऊपर है, हम ही और घर में कोई है नहीं। बच्चन को एक दिन नहीं खाना बने तो काम उन तो सामान नहीं, अब ऐसे ही सुनाई हो जाए तो ठीक ही है। हाँ, 6-7 महीने लेट आता है हमेशा, चिकन महीने काश भी लेट आती है। अरे ऊपर से शिकायत है, ऊपर जानकारियाँ हैं, सब ऊपर जानकारियाँ हैं। तुम शिकायत करके देखो, तुम्हें कौन पूछ रहा है, हमें कौन पूछ रहा है। ऊपर से जो पैसा है उसकी खर्च हो गया था। हम इनका व्यवहार है, हमारे पति दारू पिए और कुछ खाने को नहीं है घर में, जमी जागा है नहीं है। अब क्या बताए लोग, और मजबूरी में हमें तो कर रहे, गरीबी बहुत स्थिति है हम लोग की, इनके पति नहीं है। अब ये सही को भज्जा देखा ना, को उदास मैं ब्याजी पे देखा ना, तो चला हुआ तो चलने बाल बच्चों को तो ऐसी फेत नहीं। अब कितने जिम लगाए, समय लगा नहीं खा लगाए, समय लगा क्या दिन के घर बैठो का ऐसे लगा के राम जी मोड़ी मोड़ा का कहे कितने काय में का कहे में मोड़ी मोड़ा। अब यही भकभका उठे यही भीता बाय में अपन रह जी का कहे की से कबे। सुबह से पानी भरे, झाड़ू लगाए, बर्तन साफ करें, फिर उन बर्तन में खाना चढ़ाए, चूल्हा बारे, फिर इसके बाद में चावल डाले और 10-15 किलो चावल बनाऊ दो, सूदन दो, उनको धो के डाले और फिर बर्तन को बनाए हिसाब किताब से। अरे और फिर सब्जी दाल कहूँ जो बनी तो वो भी करने, ऐसे हर माने उन्हें ऐसे इसलिए सुबह से आते हो, बिल्कुल पूरा काम काज में लगे जाते और समय से ना पैसा मिलवे।